बुंदेलखंड के दैवी आपदा सूखा और ओलावृष्टि से परेशान किसान आए दिन मौत को गले लगा लेते हैं। वहीं गुरुवार को कर्ज के कारण एक किसान की सदमे से मौत हो गई। घटना गुरुवार को दोपहर में चिल्ला थाना क्षेत्र के ग्राम पलरा में हुई। इसी गांव के रहने वाले महेश प्रसाद ने कई वर्षों से खेतों में ठीक से फसल न होने के कारण बैंक से कर्ज लेकर गृहस्थी का खर्च चलाया। इस वर्ष भी पर्याप्त फसल न होने से वह चिंतित रहने लगा। आज दोपहर वह खाना खाकर टहल रहा था, अचानक गश खाकर गिर पड़ा। परिवार के लोग उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के चचेरे भाई अवधेश कुमार ने बताया कि मृतक पर 4 लाख रुपए इलाहाबाद बैंक का कर्ज था। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी का खाद बीज क्रय करने का भी 60,000 रुपए शेष था। उसे उम्मीद थी कि इस साल फसल होने पर कर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन बारिश न होने से फसल पर्याप्त नहीं हुई, जिससे वह चिंतित रहने लगा। इसी सदमे के कारण ही आज उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। ये जो महेश प्रसाद जी हैं जी, हमारे चचेरे भाई हैं जी, इनके पास जो है कर्ज बहुत था। इलाहाबाद बैंक का कर्ज इनका 4 लाख के आसपास जी, और कोऑपरेटिव का खाद बीज का जो है इनके 60,000 के आसपास हो गया था। कई साल जी से जो है अदायगी नहीं कर पा रहे जी। खाना वाना खाने के बाद टहल घूम रहे थे, गिरे और फिर जो है अस्पताल लाए थे, यहाँ दिखाए मृतक घोषित।